प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, पाकिस्तान बीजेपी का फेवरेट सब्जेक्ट है, बात सही कह रहे हैं सीपी राय जी। अखिलेश यादव को अपनी जवान से पूरे चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी भी संदर्भ में कहेंगे बीजेपी उसका गेम यही करेगी। हमने आपके आने से पहले वीडियो दिखाया था कि नवाज शरीफ से किस तरह मिलने प्रधानमंत्री चले जाते हैं, अचानक जहाज बिना प्रोटोकॉल के उतर जाता है, शहीद हेमराज के सिर की जगह वो नवाज शरीफ की माता जी के पैर छूते हैं, और संबित पात्रा इस बात से बड़े आग बबूला हो जाते हैं कि अखिलेश यादव ने पाकिस्तान का नाम दे दिया। मेरा अपना मानना है लक्ष्मण जी कि इस बार सबसे कम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, क्योंकि गांव में आवारा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दा हैं। यही कारण है मुझे लग रहा है कि जिन्ना और पाकिस्तान जितना चुनाव में चलना चाहिए था, कैराना में जाके योगी जी ने राम भक्तों पे गोली चला दी, दंगे करा दिए, इस तरह की तमाम बातें की, लेकिन वो रंग चढ़ नहीं पा रहा। क्या कारण समझते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है इस बार पाकिस्तान जिन्ना का रंग लोगों के दिमाग में? बहुत शुक्रिया संजय जी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज ठीक आ पा रही होगी। जी आ रही, आ रही, आ रही। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि इस सब का दोषी जो है वो खुद पाकिस्तान ही है कि वो ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो मुद्दा बने। इसके अलावा और क्या ही मुद्दा है, क्योंकि जो पाकिस्तान को मुद्दा बनाते हैं वो लोग तो कोशिश भरपूर कर रहे हैं। मैं एक प्रसंग याद कर रहा हूं कि बिहार में जब चुनाव हुआ तो ये कहा गया कि अगर यहाँ जीत होती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे और तमाम तरह की कोशिशें की गई। और इस बार भी देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में जब गली में पर्चा बांटने उतरे तो उसके लिए उन्होंने कैराना को चुना था। यह भी एक दिलचस्प बात है। दूसरी बात यह कि वह उप मुख्यमंत्री जिसको ओम प्रकाश राजभर चुप मुख्यमंत्री कहते हैं, वो मुख्यमंत्री जब अपने इलाके में जाते हैं तो उनको लोग दौड़ा लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो परिदृश्य बना है, उनकी रैलियों में लोग नहीं आते थे। अब उत्तर जब पंजाब में प्रधानमंत्री कहते हैं कि थैंक यू कहना अपने मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा वापस आया, जब ये यूपी में अगर रैलियों में भीड़ नहीं आती तो क्या कहते। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि रैलियां ही बंद करा। हमारे यहाँ ये होता है नो सम स्टडी सम कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो जब रैली नहीं होगी तो सवाल किससे पूछा जाएगा। अब मैं उस बात पर आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को ही तय करना है। मुझे लगता है कि नेताओं की जो भूमिका है वो ठीक है। दो तीन नेताओं का अगर आप नाम लें, हालांकि होता ये नहीं है, लेकिन अगर अखिलेश यादव, मायावती जी और प्रियंका गांधी, मुझे लग रहा है इन तीनों नेताओं ने हाल फिलहाल में कोई ऐसा बयान नहीं दिया होगा। हाँ, अखिलेश यादव के एक शब्द को पकड़ रहे हैं वो लोग और पिछली बार उन्होंने जिन्ना को पकड़ा था, ये कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों के यहाँ देखेंगे, चाहे वो सपा बसपा कांग्रेस हो, ये लोग एजेंडे पर बात करने के काम कर रहे हैं। और खासकर मैं कह रहा हूं संजय जी, पेंशन वाला मुद्दा, पुरानी पेंशन की बहाली वाला मुद्दा, इसने रातों की नींद उड़ा दी है। ये वो मामला बन गया है कि इसे न तो कबूला जा रहा है और न ही नकारा जा रहा है। पेंशन वाला मुद्दा ऐसा हो गया। अब ठीक है, उनके तमाम लोग कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। अभी मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह, जो एक पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं, जिसके बारे में शायद संजय जी मैं आपको कह रहा हूं कि आप चुनाव के बाद जिस तरह से चुनाव में राज खोल रहे हैं, हर एक एपिसोड में एक राज खोल देते हैं, तो आपने ही श्रीकांत वर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को जोड़ करके एक बात कही थी जो मुझे याद है कि ये लोग गायब हैं। वैसे पढ़े लिखे प्रवक्ता भी बेचैन है। मैं ये समझता हूं कि ये सारी बेचैनी की वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चिर परिचित ग्राउंड पर यूपी इलेक्शन को नहीं उतार पा रही है। वो है हिंदू मुस्लिम, वो है कब्रिस्तान और शमशान, वो है पाकिस्तान, वो है अब्बाजान। कोशिश भरपूर की गई है, इसलिए बीजेपी को आप कहीं से दोष न दें इसके लिए। आप योगी आदित्यनाथ की कोशिशों को कहीं से इसमें दोष न दें। हमारे यहाँ एक बंदर को बना दिया गया, किस्से में पंचतंत्र की कहानियों तक में मिलता है कि उसको जंगल का अधिकारी बना दिया और वहां एक लेके गया जानवर कि भाई हमारे लिए कुछ काम करो। वो एक डाली से दूसरे डाली कूद रहा है, इधर उधर जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तो कह रहा है देखो मेरी मेहनत में तुम्हें कोई कमी दिख रही है। तो वो जो मेहनत में कमी नहीं दिख रही है वो योगी आदित्यनाथ की है। वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो। मुझे लग रहा है कि ये जो मुद्दा है ना, किसानी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई,
ये जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर श्रेय मैं किसी को दूंगा तो उत्तर प्रदेश की जनता को दूंगा कि वो, मुझे लग रहा है ना, राम मंदिर को बहुत तवज्जो दे रही है, एक जनता जो जागरूक जनता है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, इस पर वोट देने पड़ेगा, ये मेरी टिप्पणी है। जनता को श्रेय है और जनता का ही इम्तिहान है कि 10 मार्च को जो परिणाम आता है उसमें आप कहां खड़े। बिल्कुल 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 लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी मुझे एक शायद वो सर्वेश्वर जाल सक्सेना की पंक्तियां थी जहां तक मुझे याद आ रहा, बड़ी अच्छी लगती थी मुझे वो थी कि गोली खाकर पहले के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु, चौथे के मुंह से निकला आलू, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। तो अब जो है वो पेट खाली हैं तो सबको इस समय रोटी और आलू नजर आ रहे हैं। क्या यही कारण आप भी समझते हैं, इसीलिए जिन्ना और पाकिस्तान नहीं चल पा रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए संजय जी, आपका टीवी चैनल भी ऐसा है जहां झगड़ा नहीं होता है, कविताओं की बात होती है। तो अब बात कविताओं की है, मैं हिंदी से हूं तो मुझे गोपाल दास नीरज की कविता याद आ रही है, तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ की बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। बड़ी बहुत बड़ी बात है। आज गोपाल दास नीरज होते और उसी यूपी में होते तो उनपे एनएसए तो लग ही गया होता, जेल में तो जरूर होते। अब उस बात पर बात करते हैं, दो तीन छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। ये शर्वण सर, एक सेकंड बने नहीं लक्ष्मण जी, शर्वण सर आपकी कविताएं बहुत अच्छी आती है मेरे पास पे कभी कभी पढ़ने को। लास्ट में मैं आपसे आपसे मैं इसलिए पहले कह दे रहा हूँ, लास्ट में एक कविता आपकी भी सुनूंगा मैं आज। अरे मेरे जी लक्ष्मण जी, मैंने इसलिए पहले बता दिया आपको, 5 मिनट बाद आपको सुनूंगा मैं एक कविता जी लक्ष्मण जी। बिल्कुल छोटी छोटी टिप्पणियां हैं संजय जी इस पूरे प्रसंग पर। पहली बात ये है कि हम लोग जो कि पठन पाठन से जुड़े हुए हैं तो हमारी भाषा में संबित पात्र आपको नहीं मिलेंगे, वहां प्रधानमंत्री होना पड़ता है अपने भाषा का स्तर गिराने के लिए, पद का स्तर गिराने के लिए। कम से कम शिक्षक विद्यार्थी वो नहीं करते। ये वो विद्यार्थी है बीजेपी जिसको, जिसने पूरे साल सिलेबस जो तैयार किया था वो एग्जामिनेशन पेपर में बदल गया। इसने पूरे साल 5 साल तैयारी की थी हिंदू मुसलमान की, और जैसे होता है ना कि आपने फुटबॉल की तैयारी की और अब जब जब आपका इम्तिहान हो रहा है तो आपको हॉकी खेलना पड़ रहा है। असल में इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं पूर्व के वक्ताओं से सहमत होकर बात कर रहा हूं, इस जनता ने तय किया है कि आप हमें कब तक धोखा देंगे। याद करिए संजय जी, थोड़ा भी अगर हिंदुत्व सो कॉल्ड हिंदुओं में बचा होगा ना तो वो एक सवाल जरूर पूछेंगे, राम को कौन लाए हैं? आप नारा खुलेआम बजा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तुलसीदास नहीं लाए, राम को निराला नहीं लाए, राम को 300 रामायणास के एक रामानुजन कह रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में राम नहीं आए थे, राम को योगी और मोदी लाए हैं। इससे ज्यादा अपमान हिंदुओं की आहत भावनाएं कहां गई? मैं एक सवाल कर रहा हूं, हो सकता है आहत हो रही हो। कैराना की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जमीन पर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। इस देश में जो हिंदू के नाम पर जो गोलबंद किया था ना, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक सवाल किया है कि हिंदू कौन, यह एक सवाल इनको चुभ रहा है, इसीलिए 80-20 कर रहे हैं। अब उस समय पिछड़े दलित वो कह रहे हैं कि आप तो हमारे साथ जातिवाद करते हो, हमें तो कभी आपने हिंदू माना नहीं, तो हिंदू कौन? और मुसलमान इस समय है मौन। मुसलमान के बर्दाश्त करने का इम्तिहान यह देश ले रहा है, वो खामोश है, उसके ऊपर क्या क्या तोहमतें लगाई जा रही हैं, ये एक इस समय जो सबसे मुश्किल चीज है, यह इस समय इस देश को ऐसे मोड़ पर ला रही है कि हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींची थी, नौकरियों की बात कही, हर जगह उसने नौकरी की बात कही, हर जगह उसने महंगाई का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश चुनाव के फिलहाल मुझे लगता है सारे विपक्षी दल, और कौन माफी मांगेगा? माफी वीर के विरासत जिसके पास है वो माफी मांगे, वो मोदी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, योगी को इस प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रदेश का इतना नुकसान किया है। इस देश के विपक्षी, अरे उन लोगों से माफी मांगने की आप बात करते हैं? पाकिस्तान के नाम पर जिनकी पूरी सियासत चल रही है वो केवल एक काम कर रहे हैं। आखिरी टिप्पणी संजय जी, इस देश की आम आवाम और आपका चैनल उत्तर प्रदेश के गांव गांव में देखा जाता है। मैं गांव में उत्तर प्रदेश के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, दिल्ली में बैठा हूं, साफ तौर पर कह रहा हूं आपकी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है।
विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल नई शिक्षा नीति में बेच दिए गए। किसानी बिक गई और आपकी दवाई बिक गई। कोरोना में क्या हुआ आपने देखा, आपके चूल्हे पर जो असर करती हैं चीजें ना, वो आपका चुनावी मुद्दा होना चाहिए। आपके रोटी पर जो असर करती है, आपके बच्चों के भविष्य पर जो बात असर करती है ना, उस पर वोट दीजिएगा। 22 का चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है, वरना आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बचा पाएंगे। ये हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान करके ये अपना भविष्य जरूर बचा लेंगे, आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही है।